को दी गई टिकट और पानीपत रूरल से सचिन कुंडो, नरवाना से सतबीर दबलैन, रानिया से सर्वमित्र कंबोज, तिगांव से रोहित नागर, कैथल से रणदीप सुरजेवाला को टिकट न देकर उनके बेटे आदित्य को टिकट दिया गया। तो हरियाणा कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी। ये इस लिस्ट में 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, 4 सीटों पर अभी भी ऐलान बाकी है। अंबाला कैंट परिमल परी को ये टिकट दिया गया है, पानीपत रूरल से सचिन कुंडू को टिकट दिया गया है, नरवाना से सतबीर दबलैन, रानिया से सर्वमित्र कंबोज, तिगांव से रोहित नागर और कैथल से रणदीप सुरजेवाला को टिकट न देकर उनके बेटे आदित्य को टिकट दिया गया। तो हरियाणा कांग्रेस ने जो ताजा लिस्ट जारी की है उसमें 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और अभी भी 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं या 4 नाम हैं जहां पर अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। और आपको बता दें कि आज 12 तारीख है और आज ही अंतिम दिन है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, आज नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन है। ऐसे में जिन सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है उन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी होने की पूरी संभावना है, जो कि आज अंतिम दिन है। और आज जितने भी लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। तो हरियाणा कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, 4 पर ऐलान अभी बाकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर धीरेन्द्र। धीरेन्द्र, कांग्रेस की जो ताजा सूची है उसमें 5 नामों का ऐलान किया गया है, 4 पर अब भी ऐलान बाकी है, आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, इतना विलंब क्यों हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आई थी 67 कैंडिडेट की, तो उससे शायद कांग्रेस पार्टी ने सीख ली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी दावेदारों की कमी नहीं है और इसलिए जिस भी हलके से किसी कैंडिडेट की टिकट डिक्लेयर की जाती है तो वहीं से विरोध के स्वर उठने शुरू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये चल रहा है, साथ साथ कांग्रेस पार्टी में भी अब ये शुरू हो गया, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ये विलंब कर रही थी। हालांकि जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जिनकी टिकट फाइनल हो चुकी थी उनको पहले से इतला कर दिया गया था टेलीफोनिकली कि आप अपनी तैयारी कीजिए कि आपको नॉमिनेशन करना है। इसके लिए विलंब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब वक्त कम बच जाएगा तो बागी होने की संभावना भी बेहद रह जाएगी। अगर वक्त होता है तो जैसे हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें या जननायक जनता पार्टी की, तो इनके पास इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं है, तो इसलिए ये दोनों पार्टियां भी कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी हैं उनको टिकट देके इनका खेल बिगाड़ा जाए या वहां से जीत दर्ज। इससे कांग्रेस पार्टी और देर रात कल 2 सूची जारी की गई, पहले एक बड़ी सूची उसके बाद एक छोटी सूची, अभी भी 4 कैंडिडेट घोषित करना बाकी है। हालांकि जो हमें सूचना मिली उसके मुताबिक जो कैंडिडेट हैं उनको ऑलरेडी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है, सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है कि जी धीरेन्द्र आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अंतिम दिन, क्योंकि आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन का, दोनों पार्टी के पास या जो दावेदार हैं उनके पास वक्त नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आज बहुत सारे बागी अपने नॉमिनेशन स्वतंत्र कैंडिडेट के तौर पर करें। जी, तो ये जो है मुझे लगता है कि उन तमाम लोगों के लिए एक मौका जरूर होता है जिन्हें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की है क्षेत्र में और हमें टिकट मिलना ही चाहिए, और जाहिर है कि जब उनकी ये आकांक्षा पूरी नहीं होती है तो वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, या तो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या फिर निर्दलीय जो है चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं। तो धीरेन्द्र, आज क्या ऐसी खबरें हमें और ज़्यादा सुनने को मिलेंगी, चूँकि आज अंतिम दिन है? देखिए, आज अंतिम दिन है और बहुत से दावेदार हैं अपनी टिकट कंफर्म मानकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन कई की आस कल रात को भी टूट गई और अभी भी हालांकि सिर्फ 4 सीटें बाकी है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर है आज हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलेगी वो ये है कि निर्दलीय तौर पर बहुत सारे लोग अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि सभी अपनी तैयारियां कर चुके थे चुनाव लड़ने की और ये मानकर चल रहे थे कि पार्टी उन्हीं को टिकट देगी, लेकिन टिकट सिर्फ एक को मिलती है और दावेदार बहुत सारे हैं, तो ये संभावना है कि जितने भी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं जहां पर नॉमिनेशन होता है वहां पर आज काफी भीड़ देखने को मिलेगी। पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के अलावा बहुत सारे जो दावेदार थे वो भी आज अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो कांग्रेस की तरफ से जो सीटें जारी होने का सिलसिला है, यानी कि उम्मीदवारों के नामों का जो ऐलान होने का सिलसिला है, वो अब भी जारी है और आज अंतिम दिन है। 12 सितंबर आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। अगर आज किसी ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो सीधे सीधे ये माना जाएगा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जिन्हें लगता है कि पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा तो वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वो या तो निर्दलीय या फिर किसी दूसरी पार्टी से, वो पार्टी छोटी हो या बड़ी, उससे वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। और हरियाणा बीजेपी से बड़ी